पूंछ जिले में मेंढर उपमंडल के मनकोट ब्लॉक में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई टीमों ने भाग लिया। उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इस अवसर पर तहसीलदार मनकोट मोहम्मद मारूफ कादरी, अन्य प्रशासन ने इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाग लिया। भाग लेकर युवाओं का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर तहसीलदार मनकोट मोहम्मद महरूफ कादरी ने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे बढ़ें, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें, सीखें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। संवाददाता अमरजीत सिंह को क्योंकि वो जे एंड के को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यहाँ पे हम इनके जानिब से सारे स्पाई गलती कर रहे हैं हम इस टाइम। आप गलती नहीं कर सकते। एक पॉइंट की लीड है ब्रदर्स क्लब के पास। पहली बार इस सेट में ब्रदर्स क्लब जो है वो लीड में आई है। इमरान शेख जो के असिस्टेंट कोच है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। गलती तक गलती कर रही है नाइट क्लब सेवा। अगर ऐसी गलती करेगी तो वो मैच कैसे जीत पाएगी। दो पॉइंट की लीड है ब्रदर्स क्लब के पास। 22-20 अच्छी सर उतनी अच्छी रिसेप्शन की हवाई ग्रैप किया हवाई ने शाह साहब के पास है बॉल, लेकिन इसका नहीं कामयाब हुए। पता चल अच्छी शॉट लेकिन उतना ही है। इन बात उठन जाता है उन्ना भाई की तरफ से। अमर के पास बॉल, अरबाज के पास बॉल। एवरीवन हर एक के लिए बराबर रहेंगे। हमारे चारों खड़े चुप किए थे लेकिन ब्लॉक हुए। पॉइंट मिलता हुआ मैच क्लास सलवा को एक अच्छी रैफरी देखने को मिल रही है शबीर चौधरी की तरफ से, जो कि एक नेशनल रैफरी है। इस एक पॉइंट के साथ मैच क्लास पहुंची है 6-4 हथी। मेरे ख्याल में ये क्या पॉइंट है, रेफरी का डिसीजन देखने होगा अगर इचिंग का। सेवन फोर तीन पॉइंट की लीड है अभी भी नाइट क्लब सिल्वा के। टाइट चारू खाने चुटकी है टाइट के। अब हफीज के पास है मौका, लेकर इतना ही अच्छा डिफेंस मुन्ना भाई की तरफ से आता हुआ हफीज आउट मार देते हैं। हफीज वो जरूर हमें जरा फील्ड में दिख रहा है, जहां जहां बाल पता को डाल रहे हैं जैद हमें बाल के नीचे नजर आ रहे हैं। 10-7 चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नाइट क्लब पिछड़ जाएगी। 8-10 दो पॉइंट की लीड है नाइट क्लब के पास। अभी भी अच्छी सहूलत नहीं, अच्छी रिसेप्शन हवाइयों के पास बाल है। ब्लॉक हुए लेकिन चेक आउट निकालने में कामयाब रहे हमयू को। जब जब बॉल मिलती है तो वे अपनी टीम को पॉइंट जो है वो दे रहे हैं। इस एक पॉइंट के साथ नाइट क्लब पहुंची। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमों के जानिब से, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पुश किया था जमील की तरफ से उतने ही लेफ्ट हैंड बाय हाथ के प्लेयर जमाइल की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लास्ट प्लेयर में कारा पॉइंट जाता हुआ नाइट क्लब। जो हमारी यहाँ बाहर की टीमें आई थी तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा बैकवर्ड एरिया था और आपने हमारा नोटिस देखकर यहाँ जो है खेलने का फैसला किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ये कहूँ कि मैंडर में हमारे लड़कों ने ये पहली बार हिस्ट्री क्रिएट किया है कि जो नाइट टूर्नामेंट हुआ है उसमें मैंडर में कभी भी जो है नाइट टूर्नामेंट नहीं हुआ है। तो हमारे पास ग्राउंड नहीं था तो हमें हमारे यूथ को शौक साहब ने यह तोहफा दिया वरना कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ये भेज जाओ क्या सारे तक के सारे फ्रेम है ये।
इतनी बड़ी प्राप्ति अमजद भाई सामने चश्मे वाले भैया थोड़ा पीछे से शुक्रिया अदा करता हूँ सर जमीन मजाक के अंदर हमारे चीफ गेस्ट जितने भी आए हैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं शहीद के साथ आएगा भी यहाँ ये आते रहेंगे हमसे मोहब्बत करने वाले बस रोते रह जाएंगे हम जिस दिन से बस रोते रह जाएंगे उसके बाद राव सामने राव सामने बस और एकदम फिर जाना हो भाई ब्रो सामने 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 बस आप दो मिनट से मेरी गुजारिश है मुजवाना कि आपको ये ग्राउंड जो है एक असेट है आपके बच्चों के लिए तो आप रूटीन में अपने बच्चों को यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट्स भी होते हैं उनमें भी आप शमूलियत बच्चों की करवाएं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो बच्चे देखें कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है देखिए आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप को हम पीछे छोड़ के हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप से ही आपका करियर बनता है आपकी एबिलिटीज दिखती हैं आपका पोटेंशियल दिखता है और खासतौर पे जो आपकी सेहत है वो आपके साथ बनती है इसलिए अपने बच्चों को है जो वो आप इस चीज़ की तरबियत दें कि बच्चे अपनी हॉबी में कम से कम एक स्पोर्ट्स रखें ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे उनका जहन भी ठीक रहे वो अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड रहे और नशियात